Hey guys, welcome back to my new vlog. अच्छा तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, पूजा वूजा कर लिया है और शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। और इधर देख सकते हैं दौरा रखा हुआ है छठ पूजा के लिए, तो फल वल मैंने अभी जस्ट इसको धो के अलपन वगैरह लगा के तैयार किया है। और इधर मम्मी किचन में प्रसाद बना रही है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैं हूँ किचन में तो क्या नाचो मैं? और यहाँ पे हमारी मम्मी बना रही है प्रसाद छठ पूजा के लिए। तो आप सबको मेरी और मम्मी की तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स। और मम्मी ये क्या बना रहे हो आप? ठेकुआ है ना? ठेकुआ बना रहे, बनाओ तो नहीं। हाँ, ठेकुआ बना रही है मम्मी अर्घ देने के लिए। हाँ, तो ये रहा हम लोग का। दरअसल ये नया कल सिलेंडर लेके आए थे पापा बर्थ के लिए। दरअसल पहले था पर पता नहीं कहाँ चोरी हो गया कि गुम हो गया, तो फिर ये पापा नया लेके आए माता रानी को, क्योंकि छठ पूजा का जो भी होता है सब नया होता है। और ये बर्तन भी इनफैक्ट ये सारे जो भी होते हैं ये नए होते हैं बर्तन छठ पूजा के, जो बर्थ वाला होता है ये छठ पूजा के लिए ही बेसिकली निकलता है। और फिर ये हम लोग रख देते हैं पीतल की कढ़ाई, पीतल का ये क्या बोलते हैं इसको, पीतल का कठरा। हाँ, कठरा। ये और भी बहुत सारे बर्तन है, एक बोरिया, वो सारा छठ पूजा के दिन निकलता है। इधर हमारी भाभी चल रही है खस्ता प्रसाद के लिए, देख सकते हैं ना? नहीं। तैयार होके रेडी वेडी होके उतना निकाल लिया। छठ पूजा है, छठ मैया जी है, छठ मैया का पूजा है, तो आना है, आ जाइए हमारे घर पे छठ पूजा सेलिब्रेट करने। अब हम लोग हो गए हैं रेडी, अब हम लोग जा रहे हैं छठ घाट पे। और इधर पापा दौरा सज गया है, इधर मम्मी ये रही, दोनों जने रेडी हो चुके हैं, उधर भाभी भी रेडी हो चुकी है, अब हम लोग चलते हैं। तो हम सब अब निकल गए हैं घाट के लिए, पापा ने हमारे दौरा ले रखा है। और ये रही हमारी मम्मी, ये रही चाची, और भाभी हमारी कैमरा देखते ही सबसे पहले फुटेज मारना चालू कर देती हैं। और जहाँ तक छठ पूजा की बात की जाए तो सालों सालों से मनाया जाने वाला यह पर्व छठ 4 दिनों तक चलता है और इसे सबसे कठिन पर्व भी माना जाता है। छठ पर्व कैसे शुरू हुआ इसे लेकर अलग अलग मान्यता है। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रेमव्रत को लेकर है। कहते हैं राजा प्रेमव्रत के पास कोई संतान ना थी, पुत्र इच्छा के कारण देवी खष्टी का व्रत किया और पुत्र की प्राप्ति हुई, इससे के बाद लोग छठ मनाते हैं। मान्यता यह भी है कि छठ महाभारत काल से शुरू हुई थी, इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कहा जाता है वह भगवान सूर्य की कृपा से ही महान योद्धा बने। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हैं। और यहाँ तक ये भी माना जाता है सूर्य देव की उपासना करना बहुत ही फलदायी होता है। तो अब देख सकते हैं हमारी मम्मी उगते सूर्य को अर्घ दे रही है, ये है पहला अर्घ। और ये रही चाची, आ गई हैं इनकी देवरानी, इनको सिंदूर लगा रही हैं। अब चाची हमारी अर्घ देंगी उगते सूर्य को। और देख सकते कितना प्यारा घाट बना हुआ है। छठ पूजा जो पर्व होता है ना, हमारे घर में 1 महीने से पहले से ही रौनक हो जाती है। जो भी बिहार के होंगे उनको पता होगा छठ पूजा की वैल्यू क्या होती है और छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। छठ पूजा एक पावन पर्व है जो बहुत ही खुशी लाता है, घर में पॉजिटिविटी लाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी चाची छठी मैया को धूप बत्ती दिखा रही हैं। और यहाँ पे हमारी मम्मी छठी मैया को पूजा करने के बाद उनकी बहू की साड़ी फंस गई है तो वो ठीक करवा रही हैं। और अब आ गए हैं हमारे भैया और ये छठी मैया को पूजा कर रहे हैं। और इन्हीं के साथ हमारे छोटे भाई, उनके बाद उनसे बड़े भैया, वो भी छठी मैया को पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है छठी मैया के वहाँ पे। और ये मैं रही, दादी रही, छोटी वाली चाची, हमारी रिलेटिव कोई चाची हैं, हमारी चाची इधर बैठी हुई हैं। और ये रही हमारी सबसे छोटी वाली भाभी, और ये हमारे नेता चाचा जी हैं जो कि नेता बन के घूमते हैं। और ये देख सकते हैं, और ये रहे देख सकते हैं कितनी भीड़ है, जबकि ये चैत वाला छठ होता है पर इतनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि चैत वाला छठ पूजा बोलते हैं कि जब मन्नत पूरी होती है इसीलिए मनाया जाता है चैत वाला छठ पूजा।
और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। बहुत अब तो यहाँ तक माना जाता है कि बिहार बिहार तो मनाते ही हैं बिहार के लोग, पर अदर अदर स्टेट वाले भी छठ पूजा मनाना चालू कर दिए हैं जो शहर में रहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे भैया कैमरा देके स्माइल कर रहे हैं। और हो गया शाम, अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। हमारी भाभी कैमरा देखते ही फुटेज मारना चालू कर देती हैं। हमारी चाची ये देखो हाई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको पता नहीं कौन हो गया, वैसे हाई करे जा रहे हैं ये लोग। ऐसे हाई करते हैं ना, कैमरा देखते ही चालू हो जाते हैं एक्टिंग करना ये लोग। और वैसे और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ऊपर, और यहाँ पे अब यहाँ पे कोसी भराई जा रही है। चाची हमारी कोसी भर रही हैं और सारे जन बैठ के गीत गा रहे हैं, हमारी छोटी सी फैमिली जो कि आपको दिख रही होगी। तो आज था पहला अर्घ, और छठ घाट से पहला अर्घ दे के घर आ चुके हैं। और चाची ने कोसी भरा था, तो कोसी भी भरा चुका है, पूजा हो चुका है। और अभी जाना है हमें 2 बजे सुबह या 3 बजे जिस हो, तो वो है दूसरा अर्घ सूर्य उदय का। तो अब चलते हैं हम सोने, क्योंकि सुबह फिर उठ के हमें जाना है, ये 2-3 घंटे की जो भी नींद है, क्योंकि अभी 10:30 हो रहा है। इधर मम्मी भी सो गई हैं, पापा भी आ रहे हैं सोने के लिए। अब सब लोग थक गए, मैं अभी फेस का मेकअप अब नहीं रिमूव करूँगी क्योंकि मुझे फीवर जैसा लग रहा है और हिम्मत भी नहीं है मुझे। तो अब चलते हैं सोने, सुबह नहाना है तो वैसे ही रिमूव हो जाएगा। तो आज है दूसरा अर्घ और हम सब घर से निकल गए हैं। और कैमरा देखते ही हमारी भाभी सबसे पहले आगे आ जाती है और चाची हमारी साड़ी ठीक कर रही है। अब पहुँचे हम घाट पे यानी कि मंदिर में, और ये रही चारों जेठानी देवरानी लाइन से बैठी हुई हैं। और थर्ड नंबर वाली चाची पूजा कर रही हैं और भाभी हमारी ग्रीन साड़ी में पूजा कर रही हैं। और ये इनके बाजू में एक भाभी हैं, वो हमारी रिलेटिव है, वो भी हमारी भाभी लगती हैं। और देख सकते हैं मॉर्निंग में कम भीड़ है, क्योंकि बच्चे वगैरह मॉर्निंग में उतना आ नहीं पाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हम 3:30 बजे करीब में मंदिर गए थे। मम्मी वगैरह तो पहले ही चले जाते हैं ये लोग, और हम लोग को थोड़ा बहुत काम रहता है तो हम लोग बाद में जाते हैं। और लड़के तो लेज़ी होते ही हैं, वो उठते कहाँ हैं जल्दी। मेरे भाई कब से मैं उठा रही हूँ, वो उठ नहीं रहे थे। फिर पापा उनको बोला, कॉल लगाए कि आओ आओ, अब देखो वो कब तक आते हैं। अब ये रहे हमारे भैया आ गए हैं, अब ये छठी मैया को प्रणाम कर रहे हैं। और ये रहे सारे भाई पीछे खड़े हो रखे हैं सारे के सारे, देख सकते हैं। ये कैमरा देखते ही ना ऐसे ऐसे वो फेस करेंगे जैसा लगता है कि हाँ कैमरे में तो हम दिखाई नहीं रहे अपने आप को, उस तरह से ये लोग एक्शन देंगे। और ये रहे हमारे नेता भैया, और ये रहे हमारे बड़े वाले भैया मम्मी को अर्घ दिला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो सब इधर ही अर्घ दे रहे थे। तो हमारे भैया अर्घ दिला रहे हैं उगते सूर्य को, ये हमारी भाभी हैं तो इनको भी अर्घ दिला रहे हैं भैया, इनके हस्बैंड यानी कि। उसके बाद हमारी बड़ी वाली चाची आ गई हैं, भैया बड़े वाले हमारे अर्घ दिला रहे हैं हमारी बड़ी वाली चाची को, ये रहा। और ये जो सूप होता है ना बहुत भारी होता है, बहुत हैवी होता है, ऊपर से ये सब सामान, पर होता नहीं है छठी मैया की शक्ति, सब हो जाता है। और छठ पूजा एक ऐसा पर्व है ना कि 3 दिन का व्रत होने के बाद भी बहुत शरीर में जान होता है। और ये देख सकते हैं ये मेरे भाई हैं कार्टून, कैमरा देखते ही पोज मारने चालू के, ऊपर से चाचा से कुछ कह रहे हैं, नॉनसेंस है ये लोग, इनसे कुछ बोलने लायक नहीं है, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ। भाई जो है मेरे तो इनको नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि ये है तो कुछ नहीं। और ये देख रहे हैं अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, और ये हमारे भैया ने दौरा उठा लिया है, और ये हमारे चाचा ने भी दौरा उठा लिया है, छोटे वाले चाचा भाई उठा के दे रहा है। और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, और ये रही हमारी पूरी फैमिली जो चल दिए हैं सब लोग घर के लिए। कैमरा देखते ही मेरी फैमिली मेरी तरह ही सबसे पहले आगे रहती है एकदम। हम आ गए हैं घर, और आज मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं। छठ पूजा की हो गई है समाप्ति, और अब पी रही हूं चाय। क्या मम्मी नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधर सकते ये लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। थोड़ी देर बाद करेंगे भोजन ग्रहण, 3 दिन का व्रत हो गया छठी मैया का पूरा। अब कर रही है हमारी मम्मी भोजन ग्रहण, 3 दिन का छठ पूजा का व्रत की समाप्ति होने के बाद। छठ पूजा या कोई भी व्रत खोलने के बजाय आप भोजन ग्रहण करो ना, ऐसा लगता है कि अमृत की तरह लगता है, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी और किसी का क्या होता है मुझे नहीं पता।
इसी के साथ हम आज का ब्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं। जय छठी मैया की, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।